में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल देखें H2S का, तो इसके अंदर आ रहा है एक हाइड्रोजन का एटम, दो हाइड्रोजन के एटम और एक सल्फर का एटम। अब जब भी आ जाए हाइड्रोजन या फिर दो एटम्स आ जाए कभी भी, अब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन तो सब साइड पोजिशन ही ऑक्यूपाई करेगा किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। और अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए H2CO3, इसमें हाइड्रोजन तो हमें पता है साइड ही ऑक्यूपाई करेगा। बट अगर बात करें हम कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर, तो हम सेंट्रल मेटल एटम कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहली बात है, हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उससे पहले ऑक्सीजन, देन उससे पहले नाइट्रोजन। मतलब ये है तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और हमें डिसाइड कैसे करना, जैसे नाइट्रोजन से पहले कार्बन आता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आएगा, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आएगा, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आएगा। जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती रहेगी, जैसे जैसे इस साइड पर जाते रहेंगे हम पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन टू कार्बन, उस साइड भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती रहेगी। जैसे अब हमारे पास है इस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है क्योंकि वो ऑक्सीजन से थोड़े लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से हम उसको बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम। अब अगर हमें बॉन्ड बनाना है, लेविस स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट करना है, जैसे कार्बन के पास तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब है इसमें दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तीन ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम बिना सोचे एक तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड पूरा कर ही देंगे। हो गया, अब कार्बन के पास टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी इससे दो बॉन्ड और बनाने हैं। अब हमारे पास बचे दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। अब दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, तो इस केस में हम करेंगे दो OH इसके साथ जोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ बनेगा। मतलब इसका लेविस स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, दो लोन पेयर इसके बच गए, एक सिंगल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ भी दो लोन पेयर बचे, आगे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया होगा, ऐसे ही सेम इस साइड पे भी बना देंगे। और ये अगर हम H2S की बात करेंगे, इसमें तो बहुत सिंपल है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब सल्फर क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन से शेयर करवाएगा, और खुद के पास भी उसके 8 पूरे हो जाएंगे और हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो जाएंगे, वो भी अपने डुप्लेट बना लेगा हाइड्रोजन। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं सल्फर का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो सल्फर बीच में सेंट्रल मेटल एटम, जैसे कि हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो साइड पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेगा हमेशा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। अब अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें नाइट्रेट आयन की, जिसमें एक नाइट्रोजन होता है और 3 ऑक्सीजन और एक नेगेटिव चार्ज भी, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लेविस स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन बनाएंगे हम इसके चारों तरफ, 3 ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है इसके अंदर। एक तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से बना दो, तो अब नाइट्रोजन के पास टोटल कितने हो गए, 5 तो इसके पास पहले से थे और 2 इसने इस ऑक्सीजन के साथ ले लिया, अब हो गए टोटल इसके पास 7। बट और अगर अब इसके साथ वो डबल बॉन्ड बनाता है तो टोटल इसके पास हो जाएंगे 9, जो कि पॉसिबल ही नाइट्रोजन में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके ऑक्टेट में। तो होगा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो ये इसको कोऑर्डिनेट करके दे देगा, डोनेट कर देगा, या फिर बोलो कि शेयर ही कर देगा वो एक तरीके से, बट वो ऑक्सीजन से कुछ भी नहीं लेगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, जिससे कि अभी भी नाइट्रोजन के पास बचे हैं 7 और इस ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए हैं और इस ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए हैं। अब ये लास्ट ऑक्सीजन बचा है और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, और अब नाइट्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो अब करेगा ये जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बनाएगा इसके साथ बॉन्ड। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के तो अब हो गए 8 कंप्लीट, जो कि सिंगल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, और हमें पता है ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में ऑक्सीजन के पास अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 बच रहे हैं। तो होगा ये ऑक्सीजन अपने कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ शेयर करवाएगा और उसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक तरीके से हुआ ये कि उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लिया और आ गया उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो हम इसका फाइनली स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, कोऑर्डिनेट करेगा ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, तो इसके पास तो 3 लोन पेयर बचे, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके पास भी हम 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे और एक नेगेटिव चार्ज भी दिखाएंगे। सिंपल।